तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल के एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ भाई एक और मेला दिखाने के लिए, जो कि हमारा लगा हुआ है गाजियाबाद घंटामगर का मेला, यानी कि हमारा दशहरा मेला है। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को यहाँ पर आना कैसे, भाई यहाँ की टाइमिंग क्या, मेला हमारा कब स्टार्ट होता है, कब तक चलने वाला है, प्लस भाई यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है। तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है एक वीडियो के अंदर। और भाई जो सबसे मजे की बात है, इस मेले के अंदर हमारी एंट्री टिकट रहने वाली बिल्कुल फ्री। तो भाई वीडियो का लंबी ना करते, इस समय स्टार्ट कर देते अपना आज का व्लॉग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई ये मेला हमारा कहां पर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये मेला हमारा लगा हुआ भाई रामलीला ग्राउंड नयागंज घंटाघर गाजियाबाद। और बाकी दोस्तों मैं अगर यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो भाई यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा रहने वाला है शहीदी स्थल का, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप लोग वहाँ से ई रिक्शा ऑटो वगैरह करके इजिली आ सकते हैं। और बाकी दोस्तों मैं अगर मेले के टाइमिंग की बात करूँ तो भाई मेला हमारा शाम को 5 बजे स्टार्ट हुआ था और रात के 12 बजे तक चलता है। और बाकी दोस्तों मैं अगर यहाँ पर पार्किंग की बात करूँ तो भाई आप लोग देख सकते हो यहीं पर हमारी ये बाइक की पार्किंग है, और दोस्तों इसी के सामने हमारी कार की पार्किंग है। और दोस्तों यहाँ की पार्किंग भाई बहुत ज़्यादा महंगी है, यहाँ पर हमारी बाइक की पार्किंग रहने वाली है 50 रुपये की और कार की पार्किंग रहेगी 100 रुपये की। और बाकी दोस्तों मेला ये जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो हुआ था भाई 8 तारीख को, यानी कि 8 अक्टूबर को। और दोस्तों ये मेला हमारा चलने वाला है 28 अक्टूबर तक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेले का हमारा एंट्री गेट, जैसे हम लोग मेले के अंदर होंगे भाई एंटर, सबसे पहले आप लोगों को लेफ्ट में पार्किंग दिख जाएगी जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, प्लस पार्किंग रेट भी आप लोगों को बता दिए। दोस्तों हम लोग चलते हैं भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे सामने आप लोगों को भाई ये हमारी स्टेज दिख जाएगी जहाँ पर हमारी रामलीला होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बोर्ड दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई यहाँ पर पूरा रामलीला के बारे में लिखा हुआ है, किस दिन क्या प्रोग्राम यहाँ पर मतलब रामलीला का होगा। तो भाई आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को भाई थोड़ा सा शो भी दिखा रहा हूँ अभी जो यहाँ पर हमारा चल रहा था। आज हम कथा सुनाते हैं, सुनो सुनो जी सुनो। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं भाई झूले की तरफ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे कौन कौन से झूले और उनका टिकट प्राइस क्या रहने वाला है। A few moments later. तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ भाई झूले वाले सेक्शन पे। यहाँ पर आप लोगों को भाई बच्चों के लिए कार से वाला झूला मिल जाएगा, तो भाई एक अपना डक वाला झूला हो गया। तो भाई यहाँ पर बच्चों के हमारे जितने भी झूले सबका टिकट प्राइस हमारा सेम रहने वाला है 50 रुपये का। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भाई एक क्रॉस वाला झूला भी मिल जाएगा। तो भाई अभी ये झूला चल नहीं रहा, अगर चलेगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी मैं अगर इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो भाई वही हमारा रहने वाला है 100 रुपये का। A few moments later. तो दोस्तों देखो अभी हमारा एक क्रॉस वाला झूला ये भाई चालू हो चुका है, इसकी स्पीड आप लोग चेक करो भाई, वाइड एंगल पे दिखाता हूँ भाई। अब देखो भाई यहाँ पर हमारे बड़ों के जितने भी झूले उनका टिकट प्राइस हमारा 100 रुपये का, बच्चों के जितने भी झूले हैं उनका टिकट प्राइस भाई हमारा 50 रुपये का। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक ब्रेक डांस वाला झूला भी मिल जाएगा भाई। इसका टिकट प्राइस हमारा 100 रुपये का है। और बाकी दोस्तों जो यहाँ पर नाव मतलब होता है ना अपना आसमानी वाला झूला, यानी कि जॉइंट वाला झूला, तो भाई वो आप लोग यहाँ पर 2 मिलेंगे। देखो एक वो चल रहा और एक भाई अपना ये लग रहा। तो भाई इसके भी अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूँ तो भाई वो हमारा रहने वाला है 100 रुपये का। तो भाई देखो अभी झूला हमारा चल भी रहा है, इसके बारे में भाई आप लोगों को नाव वाला झूला भी मिल जाएगा, यानी कि हमारा कोलंबस वाला झूला। तो भाई इसका टिकट प्राइस हमारा 100 रुपये का रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भाई बच्चों के लिए घोड़े से वाला झूला भी मिल जाएगा, तो भाई इसका टिकट प्राइस हमारा 50 रुपये का। बाकी भाई सामने एक बच्चों के लिए प्लेन वाला झूला भी है, तो भाई इसका टिकट प्राइस वही हमारा 50 रुपये का रहने वाला है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को टोरा टोरा वाला झूला मिल जाएगा, तो भाई इसका टिकट प्राइस हमारा 100 रुपये का रहने वाला है। और बाकी दोस्तों इसी के साथ भाई आप लोगों को हैमर वाला झूला भी मिल जाएगा, यानी कि हमारा रेंजर वाला। तो भाई देखो भी वाला झूला हमारा चल भी रहा है, तो भाई इसका टिकट प्राइस हमारा 100 रुपये का रहने वाला है। तो भाई देखो ये पूरा 360 में अपना झूला चलता है। और बाकी दोस्तों इसी के साथ भाई आप लोगों को टावर वाला झूला भी मिल जाएगा, तो भाई देखो टावर अभी ऊपर खड़ा हुआ है, शायद ये चल नहीं रहा है। तो भाई इसका टिकट प्राइस हमारा 100 रुपये का रहने वाला है। बाकी दोस्तों देखो सामने हमारा है वही नाव वाला झूला आ गया, यानी कि अपना कोलंबस वाला, और इसके आगे भाई अपना गैंडविल वाला झूला भी आ गया। भाई अभी कोलंबस वाला झूला अपना चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है। तो भाई इन दोनों का टिकट प्राइस हमारा सेम रहने वाला है 100 रुपये का। और भाई आप लोग ये देखो रेंजर वाला झूला भाई देखो पूरा जा रहा है, भाई देख रहे हो कितना क्याड़ा चल रहा है वाला झूला हमारा। और भाई ये देखो कोलंबस वाला भी चालू है, कितनी ऊपर तक जा रहा है भाई देखो। और देखो भाई सामने इसके दूसरा कोलंबस ही हमारा चालू हो चुका है। तो भाई एक बार आप लोगों को जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, तो भाई अब देखना भी आएगा ये। तो भाई इसकी हाइट देखो इतनी ऊपर जा रही है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भाई ये ड्रैगन ट्रेन वाला झूला भी मिल जाएगा, जो कि अभी हमारा चल भी रहा है। तो भाई इसका टिकट प्राइस हमारा सेम रहेगा भाई 100 रुपये का। और बाकी दोस्तों इसके साथ भाई आप लोगों को एक और ट्रेन वाला झूला मिल जाएगा, जो कि बच्चों के लिए। तो भाई इसका टिकट प्राइस अगर पता कर लेते हैं तो भाई इसका टिकट प्राइस हमारा वही सेम रहने वाला है 50 रुपये का।
बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग भाई बच्चों के लिए भी नाव वाला झूला मिल जाएगा, छोटा सा टिकट प्राइस हमारा वही 50 रुपये का है। इसी के सामने भाई देखो ये जिप्सी आ गई, मतलब बच्चों के लिए हार है भाई, लाइक सेम वही 50 रुपये आ गए भाई, फिर से आ गई है ये नोडी वाली गाड़ी आ गई। और भाई ये अपना ब्रेक डांस वाला झूला आ गया, तो भाई इसका टिकट प्राइस ही हमारा 100 रुपये का रहने वाला है। तो भाई अभी वाला झूला चल नहीं रहा, भाई देखो दोबारा कार आ गई है, इसके आगे भाई बच्चों का ट्रैम्पोलिन आ गया, तो भाई ये भी 50 रुपये का ही है। इधर भाई दोबारा आ गया अपना ये ड्रैगन ट्रेन वाला झूला, तो देखो भाई ये रहा ड्रैगन ट्रेन वाला। बाकी भाई इधर दोबारा आ गया अपना जीप वाला। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भाई बच्चों के लिए मिक्की माउस मिल जाएगा, तो भाई देखो बच्चे भी इसके अंदर उछल कूद भी कर रहे हैं, 2-3 बच्चे हैं। दोस्तों मैं अगर टिकट प्राइस की बात करूँ तो भाई इस मिक्की माउस के वो हमारा रहने वाला है 50 रुपये का। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को भाई ये मौत का कुआं भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो एक बार चलते और पता करते हैं भाई इसका टिकट प्राइस हमारा कितना है। और भाई देखो ये हमारा जानकी द्वार है, सामने बोर्ड पर लिखा भी हुआ है ये जानकी द्वार, तो भाई इसी के साइड में हमारा है मौत का कुआं लगा हुआ है। तो भाई इसका टिकट प्राइस भी एक बार हम लोग पता कर लेते हैं क्या है। 5 minutes later नहीं, तो दोस्तों अभी हमारा मौत का कुआ भाई ये चालू नहीं हुआ, तो उसका कोई टिकट प्राइस अभी क्लियर नहीं, तो मेरे को यहाँ पर पता नहीं चला। और बाकी दोस्तों इसी के आगे भाई आप लोगों को मैजिक शो भी देखने के लिए मिल जाएगा, एक सम्राट का मैजिक शो, तो भाई अभी ये भी चालू नहीं हुआ है भाई, मतलब यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमारी चालू नहीं है, तो मतलब भाई अभी ये मेला ना पूरी तरीके से लगा नहीं है भाई, अभी लगने वाला है। तो भाई देखो ये मैजिक शो भी यहाँ पर होने वाला है, इसका भी टिकट प्राइस है, बट भाई अभी हमारा चालू नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को भाई खाने पीने की भी काफ़ी सारी स्टॉल मिल जाएंगी, बट भाई अभी पूरी तरीके से देखो चालू नहीं हुई है ये रही। तो भाई देखो उधर भी अपनी ये ठेलियाँ वगैरह यहाँ पर सारी खाने पीने की, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बारी। और भाई देखो इधर भी अपने खिलौने वगैरह हो गए बच्चों के। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को गोलगप्पे वगैरह मिल जाएंगे, टिक्की मिल जाएगी खाने के लिए, आगे भाई चाउमीन की हो गई। इधर देखो भाई मतलब ये सारी अपनी खाने पीने की चीज़ें हो गई हैं। और इधर भाई अपना ये शूटिंग वाला गेम आ गया, आप लोगों को मतलब वही बंदूक से बैलून फोड़ने जो सामने रखे हैं। और बाकी दोस्तों ये हमारा भाई फोटो स्टूडियो के, जहाँ पर आप लोग अपनी फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। तो भाई यहाँ पर इन्होंने KTM बाइक भी हमारी खड़ी कर रखी है, तो भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो KTM बाइक पर बैठ के भी आप लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हो। तो भाई देखो KTM बाइक खड़ी हुई है। बाकी दोस्तों मैं अगर बात करूँ भाई यहाँ पे शॉपिंग की, तो भाई आप लोगों को स्टेशनरी का भी यहाँ पर सामान मिल जाएगा, तो भाई देखो यहाँ पर हमारी सेल लग रही है 10 रुपये की। और बाकी दोस्तों जिसके साथ भाई आप लोगों को मिल जाएंगे बच्चों के यहाँ पर खिलौने वगैरह ये रहे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को मेले की भाई पूरी जगह दिखा दी, मतलब सारे झूले वगैरह दिखा दिए, पर मेला हमारा भी प्रॉपर चालू नहीं हुआ था, तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं दिखाई, मतलब शॉपिंग की भाई खाने पीने की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे, तो भाई आप लोगों को पता क्या करना है, वीडियो को यार लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए या पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, प्लस बेल आइकन होगा भाई उसको भी दबा देना। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।